नगर निगम चास के सफाई कर्मियों ने बकाये पारिश्रमिक भुगतान और पीएफ तथा ईएसआई को अपडेट नहीं करने के मुद्दे पर निगम कार्यालय के समक्ष धरना दिया। सफाई कर्मियों के अध्यक्ष मोहन हाड़ी ने कहा कि कार्य एजेंसी 3R कंपनी के द्वारा पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि अपनी इन समस्याओं से निगम के अपर नगर आयुक्त को अवगत करा दिया गया था, लेकिन महज आश्वासन ही मिला है। निगम ने कहा था कि आप काम करें, आपका भुगतान हो जाएगा, लेकिन निगम ने ना तो भुगतान करवाया और ना ही पीएफ और ईएसआई को अपडेट कराया, जिससे सफाई कर्मियों का इलाज प्रभावित हो रहा है। फर्स्ट दिन नहीं आया, दूसरा दिन नहीं आया, तीसरा दिन नहीं आया, चौथा दिन में हम अनिल सिंह को, अनिल सर को हम खुद फ़ोन किए कि सर आप बोले थे उसका एक आदमी रहेगा, एक आदमी मेरा रहेगा, लेकिन उसका कोई आदमी नहीं है। तो अनिल सर बोला हमको इतना कि आप अपना काम कीजिए, पेमेंट का भुगतान हम करेंगे। मेरा कार्यालय में जो जोन में जो कार्यालय है नगर निगम से, वो उसका सिग्नेचर आ रहा कि नहीं, हम बोले हाँ एकदम आ रहा। तो मेरा कार्यालय में विकास रंजन है, वो सिग्नेचर भेजता कि हाँ इस व्यक्ति बी ग्रुप का 70 आदमी, कितना दिन व्यक्ति काम किया, इतना दिन व्यक्ति काम किया। लेकिन जब पेमेंट यहाँ जब जमा कर दी इस मंथ में, उसका बाद यहाँ मैसेज हमको मिल रहा है, सर से भी बात किए तो बोल रहा कि ये इस मैटर में हमको कुछ पता नहीं है, जब तक 3R लिख के नहीं देगा तब तक हम इसको मान्यता नहीं देंगे। इधर निगम के अपर आयुक्त अनिल कुमार ने कहा है कि ईएसआई प्रभावी है, इलाज में कोई कठिनाई नहीं है, भुगतान सभी सफाई कर्मियों को कर दिया गया है, मामूली लोग ही बाकी हैं जिनका भुगतान अगले माह तक हो जाएगा। और सबका अपना कार्य दायित्व स्पष्ट रूप से बाधित स्पष्ट किया गया है, और चास नगर निगम का जो काम है साफ सफाई करवाना, कचरा नाली में साफ कराना और नाली से कचरा उठा कर करना, इस काम में कहीं कोई कमी नहीं हो रही है। कमी हो रही है चास इन भैरव की तरफ से, जिसको कि कचरा के उठाव करना है, ले जाकर उसको सेग्रेशन करके और उसको डिस्पोज करना है। नहीं, भुगतान तो अपडेट है, भुगतान में कोई किसी को दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बैंक का टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते थोड़ा सा विलम्ब हुआ था, 2-4 दिन तक, जो बचा कुचा है वो भी अगले सप्ताह हो जाएगा। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।